यहाँ पर जो पैरामीटर है लोकेल क्लास का ऑब्जेक्ट है, लोकेल लोकेल ऑब्जेक्ट। तो देखो मेन मेथड में मैंने क्या किया ना, प्रिंट डेट जो फंक्शन है उसको कॉल किया। यहाँ पर हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं तो उसमें आपका क्या है नाम, क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं, हम डायरेक्टली प्रिंट डेट को कॉल कर सकते हैं। तो लोकेल डॉट यूके जब हम पास करेंगे तो यहाँ पर आपका यूके का जो इंफॉर्मेशन है वो स्टोर हो जाएगा। यूके का जो लोकेल तो उसका लोकेल यहाँ पर आपका शो करेगा। तो उसका डेट आपको दिखाएगा और उसका टाइम भी दिखाएगा। तो अभी हम इसको रन करके देखते हैं। देखिए ये क्या है ना, यूके का टाइम दिखा रहा है, यूएस का टाइम दिखा रहा है, क्या यूएस इंग्लिश, और ये फ्रेंच का दिखा रहा है। ये सब चीज क्या है, मतलब ये दिखा रहे हैं लेकिन हमारा ये सारा टाइम हमारा टाइमिंग है। उसका टाइमिंग नहीं ले रहा है क्योंकि हमारा जो लोकल सिस्टम जो इंटरनेट में कनेक्टेड है, इंडिया का कनेक्टेड है, तो इसका ही दिखा रहा है। यूके का दिखा रहा है, यूके का ENGP, यूएस का ENUS, फ्रेंच का FR डिफाइन हो रहा है। इसका टाइम है भी, और एक प्रोग्राम है इंटरनेशनल। नंबर को कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, डबल DBL, ये डबल का वैल्यू है, नंबर फॉर्मेट डॉट गेट, नंबर फॉर्मेट इंस्टेंस ये पास किए हैं। देन ये नंबर को कैसे ये कन्वर्ट होगा देखेंगे। देखिए वही एक ही नंबर है, ये देखो कैसे कन्वर्ट हो रहा है, लास्ट में फ्रेंच में सिर्फ चेंज हो रहा है, फ्रेंच में कॉमा के जगह पर देखो कैसे ले रहा है, और सब जो नंबर है वो सब यहाँ पर पॉइंट पॉइंट के जगह पर कॉमा ले रहा है। यूके और यूएस में सेम है, सिर्फ फ्रेंच का चेंज हुआ है। ओके सर।
सेम प्रोग्राम यहाँ पर क्या लिखा है, गेट करेंसी। तो ये दोनों में क्या था, एक में था क्या गेट नंबर इंस्टेंस, अभी करेंसी ये शो करे। सेम प्रोग्राम का सारा चीज सेम है। यहाँ पर ये जो नंबर है उसको करेंसी में कन्वर्ट करेगा, यूके यूएस फ्रांस में कन्वर्ट करके दिखाएगा। देखो यूके का किस तरह से दिखा रहा है, यूएस का डॉलर, या फ्रेंच का सिंबल दिखा। ओके तो सारा का करेंसी सिंबल भी अलग यहां पर दिखा रहा है। यस सर। यहाँ पर हम डिफरेंट डिफरेंट कंट्री का करेंसी यहाँ पर चेक करेंगे। करेंसी को चेक करने के लिए नंबर फॉर्मेट यूज किया जाता है। नंबर फॉर्मेट NF, नंबर फॉर्मेट डॉट गेट करेंसी। रिक्लाइनमेंट देखिए यहाँ पर क्या है, कैनेडियन डॉलर यहाँ पर मेन मेथड में मैंने पास किया। करेंसी के लिए पहले आपको नंबर फॉर्मेट यूज करना पड़ेगा। तो इस ऑब्जेक्ट में हम सेट करेंसी, करेंसी क्या दिए हैं ना, सेट करेंसी, करेंसी का नाम है करेंसी डॉट गेट इंस्टा लोकल डॉट कैनेडा। कैनेडा का करेंसी हमने यहाँ पर पास किया। तो एक एक लाइन में ले जाते हैं तो आपको समझ में आएगी। लोकल डॉट कैनेडा, फिर जो कैनेडा हमने स्टोर किया है उसका वैल्यू यहाँ पर आपका शो करेगा। सेट वैल्यू गेट करेंसी डॉट गेट डिस्प्ले नेम, तो उसका नेम यहाँ पर शो करेगा। दिखा रहे कैनेडियन डॉलर, कनाडा का है, लोकल डॉट कनाडा। और वो जो करेंसी है उसको शो करने के लिए गेट डिस्प्ले नेम करने से आपका एक करेंसी वैल्यू शो करेगा।
समझ में है प्रियंका? यस सर। सर ये जो प्रोग्रामिंग में जो स्पेस होता है टैब, मतलब कुछ कुछ स्पेस होता है एक एक लाइन के बाद, मतलब वो इम्पोर्टेंट होता है क्या? ए प्रोग्राम नहीं, ए वाला जो स्पेस, जैसे कि एक लाइन लिखे ठीक है ऊपर में स्ट्रिंग वैल्यू, नहीं जैसे नहीं कि हाँ फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं, आप ऐसा लिख सकते हो, ये सब अच्छा आपको समझाने के लिए स्पेस स्पेस दिया गया। सर, वो जो टैब यूज होता है ना, जैसे पब्लिक क्लास करेंसी डेमो के हाँ हाँ नीचे ए जो वाला, ए होगा। वाला, ए वाला, हाँ इसमें पब्लिक के पास स्पेस रहेगा क्योंकि ये सब कीवर्ड है ना। ये सब नहीं सर, वो जो नीचे है ना इसके सेकंड लाइन में जो उसके बाद एक टैब यूज हुआ है, उसके बाद इसमें ये मतलब वाला जस्ट हाँ हाँ उतना जो स्पेस है वो इम्पोर्टेंट है। नहीं, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये ऑटोमेटिक आ जाता है क्योंकि प्रोग्रामिंग का फॉर्मेट है ना, उसको बेटर रीडेबिलिटी के लिए अगर स्पेस रहेगा तो आपको समझने में क्या रहेगा, ठीक ठाक रहेगा। देखो ये जैसे कि यहाँ से ब्रैकेट शुरू हो रहा है, यहाँ पर एंड हो रहा है, तो ये स्ट्रक्चर क्या डिफाइन कर रहा है, ये मेन मेथड डिफाइन कर रहा है। ये जो ब्रैकेट क्या है ना, ये क्लास के लिए डिफाइन हो रहा है। जब आप प्रोग्राम को सेव यस करोगे ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। सर। यहाँ पर देखिए करेंसी लोकल, लोकल हमने पास किया, लोकल यहाँ पर लोकल ऑब्जेक्ट लोकल डॉट इटली, करेंसी सी करेंसी डॉट गेट इंस्टेंस, करेंसी का वैल्यू यहाँ पर सेटिंग किया गया। जब हम लिखेंगे सी डॉट गेट करेंसी कोड तो यहाँ पर करेंसी का कोड दिखाएगा और इसका सिंबल यहाँ पर दिखाएगा। रन करके देखते हैं। इटली का करेंसी कोड है यूरो, यूएसडी फ्रैक्शनल डिजिट इज 2।
डेट का दिखाया था सर, डेट डेट नहीं सर। देन डेट डेट ऑब्जेक्ट न्यू डेट, तो डेट के लिए डेट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया जाएगा। तो ये ऑब्जेक्ट में स्टोर है, तो ऑब्जेक्ट को एक रीडेबल फॉर्मेट में स्टोर करने के लिए डेट है टू स्ट्रिंग मेथड यूज किया जाएगा, डेट टू स्ट्रिंग मेथड। तो ये आपको पर्टिकुलर डेट में आपको शो करके दिखाओ। आज का डेट जो है वो शो किया, ट्यूजडे मार्च 29, ओके 21। नेक्स्ट प्रोग्राम हम लिखेंगे रिसोर्स बंडल। ओके सो और एक एग्जांपल है दिखा रहे हैं।
बस पहले एक टेक्स्ट पैड ओपन करेंगे, इसमें से एक प्रोग्राम हम लिखेंगे, बस सिंपल सा कोड, एक ही लाइन हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ग्रीटिंग, हेलो, हाउ आर यू। तो ये फाइल को हम सेव करेंगे, फाइल मैसेज फाउंडर अंडरस्कोर, देखो कैसे स्टोर होता है, EN अंडरस्कोर US, इसका एक्सटेंशन क्या रहेगा, PROPERTIES प्रॉपर्टीज, ये मैसेज बंडल का प्रॉपर्टीज, मैसेज बंडल डॉट EN डॉट US डॉट प्रॉपर्टीज, ये फाइल स्टोर हो गया। सेव करेंगे तो नहीं होगा, नहीं ये क्या है, प्रॉपर्टी फाइल है ना, लोकलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के लिए हम एक रिसोर्स बंडल क्लास यूज करते हैं, जिसमें क्या होता है ना, सारा इन्फॉर्मेशन, मतलब अगर आप लैंग्वेज चेंज करना है, बस इस ऑप्शन को चूज करो, लैंग्वेज ऑटोमेटिक ट्रांसलेट करके दिखा दो। ओके, तो इस तरह से जो ट्रांसलेशन जो होता है ना, इस तरह से हम प्रॉपर्टी फाइल डिफाइन करते हैं। देखिए प्रॉपर्टी फाइल होता है और एक फाइल रहता है, तो दो प्रॉपर्टी फाइल हमने यहाँ पर डिफाइन कर, ग्रीटिंग, हेलो, आपका खबर क्या है, एक एक पास कर रहे हैं, इसको भी हम सेव करेंगे, फाइल सेव आज, मैसेजेस डॉट इन अंडरस्कोर आईडी आईडी डॉट प्रॉपर्टीज, देखिए हेलो आपका खबर क्या है, ये दोनों हो गया, इसको हम स्टोर करेंगे किसमें, इसको कॉल करेंगे और एक फाइल में, इंटरनेशनलाइजेशन डेमो, ये सिंपल जावा फाइल में स्टोर होगा।
रिसोर्स बंडल, रिसोर्स बंडल, मैसेज बंडल, लोकेल डॉट यूएस। देखो यहाँ पर दो फाइल हमने स्टोर किया, एक है ग्रीटिंग लोकेल यूएस का, देखो यहाँ पर यूएस जो है यूएस यहाँ पर कॉल होगा, और लोकेल डॉट इन ये है इंडोनेशिया का आईडी, आईडी जो है इंडोनेशिया का। ओके दोनों, देखो दोनों लैंग्वेज किसे कॉल किए, रिसोर्स बंडल में हम स्टोर कर सकते हैं लोकेल डॉट यूएस, तो इसलिए उसका नाम स्टोर किया गया है मैसेज बंडल अंडरस्कोर ईएन, ईएन फॉर लैंग्वेज, यूएस कैपिटल, यूएस फॉर कंट्री, मैसेज बंडल अंडरस्कोर ईएन, ईएन फॉर इंडोनेशिया, आईडी फॉर कंट्री, लैंग्वेज एंड कंट्री को, कंट्री इज रिप्रेजेंटेड इन अपर केस। अभी इसको रन करके देखते हैं क्या आता है। हेलो हाउ आर यू, हेलो आपका खबर क्या है? ओके एक प्रोग्राम है, ये और दो प्रोग्राम भेज देते हैं यहाँ से। तो फाइल का नाम इस तरह से सेव होगा। ये हो गया आपका पूरा चैप्टर हमने कवर किया जावा का। ओके पूरा चैप्टर हमने कवर किया। नेक्स्ट जो है आप प्रोजेक्ट करोगे, हमें आपको हम हेलो हाँ आप प्रोजेक्ट करोगे? ये हमारा कोर्स जितना था जावा का खत्म हो गया। ओके कोर्स जावा का। ओके तो अभी आपको इसको लेकर एक छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना, अगर जो चीज चाहिए हेल्प चाहिए मैं बता कर दूंगा, और उसका जो है हाँ बोलिए सर, मतलब अभी सोचा नहीं है प्रोजेक्ट के लिए। Yeah.